खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। बात करते हैं केरल की। केरल में गर्भवती हथिनी की दर्दनाक मामला ये तूल पकड़ता जा रहा है, उसकी मौत का मामला। केरल में एक गर्भवती जंगली हथिनी की मौत के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। राज्य वन विभाग ने ट्वीट किया है और केएफडी ने हथिनी की मौत मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इस घटना की देश भर में व्यापक स्तर पर आलोचना की गई है। वन विभाग के सूत्रों ने बताया है कि हथिनी की मौत की घटना के संबंध में 3 संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है और 2 बाकी संदिग्धों की तलाश की जा रही है। ऐसा संदेह है कि 15 वर्षीय हथिनी ने पटाखों से भरा अनानास खा लिया जो उसके मुंह में फट गया, जिसके एक सप्ताह बाद वेलियार नदी में उसकी मौत हो गई और इसकी जानकारी राज्य के वन मंत्री ने दी। एक वरिष्ठ वन अधिकारी का कहना है कि करीब 40 वर्ष का आरोपी शख्स कथित तौर पर विस्फोटक की आपूर्ति करता था और इस मामले में पहली गिरफ्तारी है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा है कि हमारी नजर 3 संदिग्धों पर टिकी है। सीएम ने ट्वीट करते हुए कहा है कि 3 संदिग्धों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक जांच जारी है। पुलिस और वन विभाग संयुक्त रूप से घटना की जांच कर रही है।